सो गाइज हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों पिछले हफ्ते पबजी हो गया बैन, उसके कुछ समय बाद न्यूज़ आती है कि नया लॉन्च होने वाला एक गेम जिसका नाम है फौजी, और उसके कुछ समय बाद एक और न्यूज़ आती है कि जो टेंसेंट की जो पार्टनरशिप थी पबजी के साथ वो हो गई है ख़त्म। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भैया पबजी पर जो बैन लगा है इंडियन गवर्नमेंट ने लगाया है वो हटेगा कि नहीं हटेगा। हालांकि जब बैन हटेगा तब का तब देखा जाएगा। इस वीडियो में हम पेश करने वाले हैं पबजी का रिपोर्ट कार्ड जब से वो लॉन्च हुआ तब से लेके अब तक, क्योंकि पबजी एक ऐसा गेम रहा जिसने आम ज़्यादातर लोगों को इंटरटेन किया, आपको भी इंटरटेन किया होगा और उसे खेलने में बहुत ही मज़ा आया है। हालांकि अभी तो ये गेम चल ही रहा है और लोग मज़ा ले ही रहे हैं, जब बैन हटेगा तब हटेगा, तब का तब देखा जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि आखिर भैया पबजी ने कितनी कमाई की, कितने लोगों तक उसकी रीच रही और इंडिया का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। मेन फोकस रहेगा इंडिया वर्सेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियदर्श है, आप देख रहे हैं टेक्नोस चैनल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जब से PUBG लॉन्च हुआ तब से लेके अभी तक कितने डाउनलोड्स हुए इस गेम के वर्ल्ड वाइड और साथ ही साथ इंडिया में। तो अगर बात करते हैं वर्ल्ड वाइड तो इसके डाउनलोड हुए अप्रॉक्सिमेटली 734 मिलियन डाउनलोड्स, यानी कि 73.5 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड। और अगर बात करते हैं इंडिया में तो इंडिया में जब से ये गेम लॉन्च हुआ तब से लेके अभी तक अप्रॉक्सिमेटली 175 मिलियन डाउनलोड्स, यानी कि 17.5 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं। और इतने सारे डाउनलोड इंडिया में हुए उसकी वजह से जो रैंकिंग निकली मोस्ट डाउनलोड्स इन अ कंट्री की, उसमें इंडिया ने टॉप किया, क्योंकि इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 24% कंस्टिट्यूट कर रहा था टोटल डाउनलोड्स का, जो कि है अप्रॉक्सीमेटली 735 मिलियन। दोस्तों ये तो बात हुई कि कितने डाउनलोड्स हुए अब जब से ये गेम लॉन्च हुआ तब से लेकर अभी तक, लेकिन बात होती है कि भैया एट प्रेजेंट अभी एक्टिव यूज़र्स कितने हैं। तो एक्टिव यूज़र्स की अब हम बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड अराउंड 500+ मिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं इस समय इस गेम के, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 50 करोड़ यूज़र एक्टिव हैं इस गेम पे एट प्रेजेंट। दोस्तों इस गेम की पॉपुलैरिटी इंडिया में तब ज़्यादा और बढ़ गई जब पबजी लाइट इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी जगहों पे नेटवर्क कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से जो मेन ऐप है पबजी का, जो मेन गेम है जो कि 1.5 GB के आसपास है, वो हर जगह नहीं चल पाता था नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से। लेकिन जब से पबजी लाइट इंट्रोड्यूस हुआ उसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, और जो पबजी लाइट का वर्जन था उसके वर्ल्ड वाइड अप्रॉक्सीमेटली 32 मिलियन डाउनलोड्स हुए थे, जिसमें से जो आधे डाउनलोड्स हुए थे, यानी अगर आप आधा करें तो अप्रॉक्सीमेटली 16 मिलियन जो डाउनलोड्स हुए थे वो इंडिया से ही हुए थे। इसमें भी इंडिया ने टॉप किया था कंट्रीब्यूटर के लिस्ट में पबजी लाइट के लिए। दोस्तों ये तो बात हुई कि भैया कितने डाउनलोड्स हुए जब से आया है तब से लेके अब तक, कितने एक्टिव यूज़र्स हैं और साथ ही साथ पबजी लाइट में भी कितने यूज़र्स हैं। अब बात आती है कि टॉप 3 जो टॉप प्लेइंग नेशंस हैं वो कौन से हैं। तो सबसे पहला तो इंडिया हो गया, दूसरे नंबर पे USA है, तीसरे नंबर पे चाइना है। हालांकि कुछ समय पहले तक चाइना दूसरे नंबर पे था और USA तीसरे नंबर पे था। अब बात करते हैं लीस्ट पबजी प्लेइंग नेशंस की, तो सबसे पहले नाम आता है ब्राज़ील का, जहां पे उसके सिर्फ 1 करोड़ यूज़र्स हैं। और बात करते हैं दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे है इंडोनेशिया, जहां पे अप्रॉक्सीमेटली 1.2 करोड़ यूज़र्स हैं इसके। दोस्तों ये दोनों तो हो गए लीस्ट प्लेइंग नेशंस। अब बात होती है थोड़ा पैसे की कि भैया जब से लॉन्च हुआ तब से लेकर अभी तक कितना कमाई हुई, 2020 में कितनी कमाई हुई, इंडिया की वजह से कितनी ज़्यादा कमाई हुई, तो इस पर अब बात करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू के पार्ट में भी पबजी ने हिस्ट्री क्रिएट की, और वो ये थी कि इसका ओवरऑल रेवेन्यू पहुंच गया है $3 बिलियन, यानी कि 22,457 करोड़ रुपए। और बात करते हैं ये जो 1.5 बिलियन से $3 बिलियन की जो जर्नी रही, उसे पबजी ने सिर्फ और सिर्फ 7 महीने, यानी कि 7 महीने में कवर अप किया है, यानी कि डबल हो गई है इसकी ओवरऑल रेवेन्यू सिर्फ 7 महीने में। दोस्तों जैसा कि 2020 ज़्यादातर लोगों के लिए ख़राब साल जा रहा है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो कोई भी हो, सबके लिए ख़राब ही साल जा रहा है। हालांकि पबजी के लिए 2020 बहुत ही लकी साबित हुआ है, और वो इसलिए साबित हुआ है क्योंकि इसने एक और हिस्ट्री क्रिएट की, और वो ये था कि जो पहले 6 महीने थे 2020 के, यानी कि जनवरी से लेके जून 2020 तक, उस 6 महीने में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप पबजी बन गया है पूरे विश्व में,
यानी इसने एक दूसरी हिस्ट्री भी क्रिएट कर दी। पहली तो थी $3 बिलियन की, 7 महीने में वो डबल कर लिया अपना ओवरऑल रेवेन्यू। और दूसरी हिस्ट्री ये हो गई कि भैया 6 महीने में, जो पहले 6 महीने थे जनवरी से लेकर जून 2020 तक, उसमें सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया ये पूरे विश्व में। और जो इन 6 महीने में जो डाउनलोड्स हुए इसके, उसमें भी इंडिया टॉप कंट्रीब्यूटर था, यानी कि सबसे ज़्यादा डाउनलोड्स इन 6 महीने में इंडिया से हुए थे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो $3 बिलियन के मार्क पे पहुंच गया, और 7 महीने में इसने अपना रेवेन्यू $1.5 बिलियन से $3 बिलियन तक पहुंचा दिया। हालांकि जो $1.5 बिलियन का चेंज आया, उसमें से $1.3 बिलियन अकेले 2020 में के पहले 6 महीने में आ गया। यानी उसी के साथ साथ इसने एक और हिस्ट्री क्रिएट की, और वो था मार्च 2020 में इसका जो रेवेन्यू था वो सबसे पीक पे गया, यानी कि $270 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली 2021 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इसने मार्च में, जो कि अभी तक का सबसे ज़्यादा है किसी एक पर्टिकुलर महीने में। तो दोस्तों आपने देखा कि कितने डाउनलोड्स हुए, कितने रेवेन्यू इसने कमाया, साथ ही साथ इन सभी कैटेगरी में इंडिया ने बाजी मारी। तो बात ये आती है कि भैया जब इतने ज़्यादा डाउनलोड्स हो रहे हैं, इतने यूज़र्स एक्टिव हैं इंडिया में, तो आखिर जो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी का मार्केट है वो भी तो कुछ बड़ा होगा। तो एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 में इंडिया का जो गेमिंग कम्युनिटी मार्केट था वो अप्रॉक्सीमेटली $120 मिलियन का था। हालांकि एक्सपेक्ट ये किया गया है कि 2020 में ये $1.1 बिलियन का मार्केट बन जाएगा। हालाँकि 2020 के शुरुआत में तो बहुत लोगों ने बहुत ही सारी चीज़ें एक्सपेक्ट की थी, सभी देशों ने एक्सपेक्ट की थी, बहुत सारे लोगों ने एक्सपेक्ट की थी, लेकिन सब धरा का धरा रह गया है। अब देखने वाली बात है कि क्या इसमें भी पबजी हिस्ट्री क्रिएट करता है कि नहीं, क्योंकि कंपैरिजन टू अदर्स पबजी के लिए ये सबसे ज़्यादा लकी साबित हो रहा है, जब तक सितंबर में इसे इंडिया गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया था। तो दोस्तों जाते जाते एक न्यूज़ और वो ये है कि जो पहले 6 महीने में मोस्ट डाउनलोडेड ऐप्स की जो रैंक लिस्ट आई, उसमें एक इंडियन ऐप ने भी इंट्री की पहली बार और 8वां स्थान प्राप्त किया, और वो था लूडो किंग। तो अच्छा लगा कि एक इंडियन ऐप ने पहली बार टॉप 10 की मोस्ट डाउनलोडेड ऐप्स के लिस्ट में आएगा। आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि अगर आपको ये डेटा दिया जाता है तो आप इसे कितने नंबर देंगे 100 में से? मैंने तो इसे 100 में से 120 दिया, क्योंकि भैया जहाँ सबकी लाले पड़े हुए हैं, किसी को एक खाने को रोटी नहीं मिले, वहाँ वो इतनी कमाई कर रहा है, तो उस हिसाब से 100 में से 120 तो मिलने ही चाहिए। आपके हिसाब से कितने मिलने चाहिए 100 में से इसे? तो रिपोर्ट कार्ड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।